हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेचर दर्पण। आज हम आपसे बात करेंगे कि व्हाइट हिबिस्कस प्लांट को कैसे ग्रो करें और उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाएं। ये देखिए हमारे इस प्लांट में कितनी सारी कलियां आई हुई है। इसकी आज मैं आपको टिप्स दूंगी कि इसमें पानी कितना डालना है और इसकी मिट्टी कैसी रहनी चाहिए, फर्टिलाइज़र क्या क्या डालना है। ये देखिए हमारे हिबिस्कस प्लांट में कितने अच्छे फ्लावर व्हाइट कलर की आई हुई है। इसमें पानी ऊपर से डालें जैसे कि सारे पत्ते भी धो जाएं। फर्टिलाइज़र इसे बहुत पसंद है जो फ्री में मिल जाती है। गोबर की खाद इस प्लांट को पसंद है, इसलिए आप गोबर की खाद अपना इसमें डाल दें। और साथ में चाय पत्ती तो सभी के घर में रहता है, चाय पत्ती वो वाली जिसे आप चाय बनाने के बाद उसे पानी से अच्छी तरह धो के आप उसे धूप में सुखा लें, वो चाय पत्ती इस प्लांट में डालें और इसे फुल सनलाइट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी है। हिबिस्कस प्लांट में आप अगर ज़्यादा फूल जाती हैं तो आप बनाना पेल वाली फर्टिलाइज़र बना के उसे आप डालें, और सरसों खली वाली फर्टिलाइज़र बनाना पेल वाली वही जो उसके छिलके को आप छोटे छोटे टुकड़े में काट के 10 दिन के लिए किसी तल में रख दें, और 10-15 दिन के बाद उसकी लिक्विड वाली जो फर्टिलाइज़र उसे आप पानी में मिला के डालें, और उसी तरह ठीक सरसों खली वाली भी डालें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। 10 दिन के बाद इसमें हमेशा आप सावरिंग कर दें इसके पूरे प्लांट में ताकि पूरे पत्ता ऊपर से नीचे अच्छी तरह इसकी गीली हो जाएगी। और इसकी मिट्टी आप गार्डन वाली मिट्टी ले लें, एक पार्ट गोबर ले लें और कुछ इसमें थोड़ा सा रेत मिला के इसकी मिट्टी तैयार कर लें, और इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें। इसकी मिट्टी को सूखना नहीं चाहिए, सूखने से होता क्या इसके रूट भी सूखने धीरे धीरे लग जाता, और जो भी पत्ता इसका गिर रहा हो उसे आप फेंके नहीं, उसे क्या करें उसके अपने गमले के साइड साइड में उसे अंदर दबा दें, खाद बन जाएगा तो आपको एक बड़ी खाद तैयार हो जाएगी। इसलिए हम तो अपने किसी भी प्लांट के पत्ते को फेंकते नहीं हैं, उसी के पत्ते को उसी के गमले में जिस प्लांट का फूल का पत्ता रहता है उसी में उसके साइड साइड में हम अपने सारे गमले के साइड में इस पत्ते को डाल देते हैं। और भी इसकी मिट्टी को आप मॉइस्ट रखें। हिबिस्कस प्लांट में कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है, वो भी सफ़ेद सफ़ेद रंग का होता है, इसलिए इसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे 15-20 दिन के अंतराल में आप कर दिया करें तो इसमें क्या होगा कि इसमें कीड़ा नहीं लगेगा, वो भी आप शाम के समय इसमें स्प्रे करें। इस प्लांट की मिट्टी को हमेशा गुड़ाई करते रहें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। बस इतनी सारी ही केयर करनी है और आपकी बगिया में फूल ही फूल खिलेंगी। बस ओके, बाय।